हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन असिस्टेंट सीधी बात नो बकवास। दोस्तों, नगर पालिका आम निर्वाचन जो है 2022 में नामांकन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट फेज के लिए जो नामांकन है वो लिए जा चुके हैं और दूसरे फेज की जो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ टॉपिक्स ऐसे कवर करने वाला हूं कि नगर पालिका का जो आम निर्वाचन 2022 का जो इलेक्शन है, इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे अगर आप नामांकन करवाना चाहते हैं, आप इसका जो वोटर लिस्ट है वो कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, आप नामांकन अपना जो है कैसे दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, नाम निर्देशन या फिर आपका जो नामांकन है वो दोनों ही तरीके से आप करवा सकते हैं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। ऑनलाइन में आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, इसे आप पोर्टल पे अपडेट करेंगे, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से भी ऑनलाइन नामांकन दर्ज कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन नामांकन दर्ज करते हैं तो आपका जो नामांकन है वो ऑनलाइन ही दर्ज कर लिया जाता है, उसके बाद आप अपने संबंधित ब्लॉक में चाहें तो उसका जो प्रिंटआउट का जो रिसिप्ट आता है उसे जमा कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहे तो ऑफलाइन नामांकन भी करवा सकते हैं ब्लॉक में जाके, जो जिसमें एक दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप पे लागू नहीं भी हो सकते हैं तो उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पे प्रपत्र 12 नामांकन हेतु भरना ही होगा, प्रपत्र क निर्वाचक मतदाता होने की घोषणा के लिए ये आपको भरना होगा, प्रपत्र ख अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र बना के जमा किया जाएगा, उसी तरीके से प्रपत्र ख 1 प्रस्तावक के द्वारा शपथ पत्र दिया जाएगा, उसी तरीके से प्रपत्र ख 2 समर्थक हेतु शपथ पत्र यहाँ पे दिया जाएगा। प्रपत्र ग भरना होगा जिसमें बायोडाटा होगा अभ्यर्थी का। नाम निर्देशन का जो शुल्क है वो आपको नाजी रसीद के द्वारा पे करना होता है, जो कि आप ब्लॉक में जाके पे करने के बाद उसका जो रसीद है वो वहां से आप प्राप्त कर लेते हैं। उसके अलावा अध्यक्षता प्रमाण पत्र यानी कि नो ड्यू सर्टिफिकेट आपको देना होगा अगर आप नगर निगम के क्षेत्र में आते हैं, या फिर किसी भी तरीके का आपके क्षेत्र में आपके मकान या फिर घर पे किसी भी तरीके का कोई भी होल्डिंग टैक्स लिया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे आपको मूल प्रमाण पत्र जाति का जमा करना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र का, अगर आप किसी भी तरीके के आरक्षण में आते हैं तो ये आपको यहाँ जमा करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको 2 कॉपी फोटो जमा करनी पड़ेगी। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको नामांकन के समय देने होंगे। दोस्तों, ये राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट है, यहाँ पे आके आप जो भी राज्य में इलेक्शंस होते हैं, जो भी बिहार सरकार अपने खर्च पे इलेक्शंस करवाती है, उसका सारा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 3 लाइन्स पे क्लिक करने का ऑप्शन मिलता है, इस पे आके आप यहाँ पे नगर पालिका चुनाव पे क्लिक करेंगे तो जो डिटेल्स है नगर पालिका चुनाव के रिलेटेड वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे मतदाता कॉर्नर पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आरक्षण से संबंधित कुछ भी डिटेल्स निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं कि किस वार्ड में किसको आरक्षित किया गया है। यहाँ पे मतदान केंद्र से संबंधित मतदाता कॉर्नर में ही आपको एक यहाँ पे लिंक देखने को मिलता है, जब आप इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको मतदान केंद्रों का अंतिम प्रकाशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे अपना जो जिला है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जिला सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है या फिर आपका शहरी क्षेत्र पड़ता है तो इसमें से आप वो सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो है वार्ड नंबर सेलेक्ट करना होगा और आपको यहाँ शो पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप शो पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से जो है उस वार्ड के रिलेटेड सूचना आपको देखने को मिल जाएगी और सारा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा, कहाँ पे बूथ बनाया गया है वो भी देखने को मिल जाएगा, और निर्वाचक सूची डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको लिंक मिल जाता है, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने वार्ड संख्या का जो निर्वाचित सूची है उसे डाउनलोड कर सकते हैं और किन वोटर्स का नाम इस सूची में दर्ज है, जिनका भी नाम इस सूची में दर्ज होगा वही वोट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरीके से दोस्तों, अभ्यर्थी से रिलेटेड जो भी सूचना है इस कॉलम में आपको देखने को मिल जाएगी। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे नामांकन प्रपत्र डाउनलोड करें तो इस पे क्लिक करके जो भी नामांकन का जो प्रपत्र है ना वो आप डाउनलोड कर सकते हैं।
यहाँ पे जो आपका निर्वाचक सूची का जो लेटेस्ट अपडेट है यानी कि अंतिम प्रकाशन है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नामांकन खुद से घर बैठे करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो भी चरण ऐड होते जाएंगे, अभी द्वितीय चरण का नामांकन चल रहा है तो इस पर आप क्लिक करके आप अपना जो नामांकन है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद कुछ निर्देश दिए गए हैं कि कैसे कैसे आपको अपना करना है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। आपका जो मोबाइल नंबर होगा उसे आपको सेव रखना होगा, इंग्लिश में नाम लिख के आप स्पेस बटन दबाएंगे तो आपका हिंदी में अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। उसके अलावा जो भी अनेक्षर्स है यानी कि जो भी फॉर्मेट्स है उसको आपको पीडीएफ में यहाँ पे अपलोड करना होगा। आपकी जो फोटो होगी उसे आपको जेपीजी में अपलोड करना होगा। सारी कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद आपको एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आने के बाद आपको यूज़र मैनुअल जो है प्रपत्र डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑफलाइन करने के लिए यहाँ से आपको ब्लॉक में विजिट करना होगा। ब्लॉक जाएंगे आप यहाँ पे अपना नामांकन दर्ज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके ब्लॉक के जो ऑफिशियल्स हैं वो अपने लॉगिन आईडी से यहाँ पे लॉगिन करेंगे और आपका जो नामांकन है उसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर एंटर करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा और बाकी की जो प्रोसेसिंग है आप यहाँ से ऑनलाइन ही कर पाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे आप प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए इस पेज पे आ जाएंगे क्लिक करके। तो इस तरीके से जो है आप अपने नामांकन के संबंधित जो भी सूचना है या फिर अपना नामांकन ऑनलाइन करना चाहते हैं वो सभी कार्य आप यहाँ से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।